खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको ग्वालियर से, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद रहे। और लगातार जो है बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन कर लोगों की समस्याएं सुनी गई। इस पूरे भारत संकल्प यात्रा के जरिए कोशिश ये थी कि कैसे भी करके हम लोगों की समस्याओं का निदान करें। तो ये लगातार बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे, उनके साथ ही साथ प्रद्युम्न सिंह तोमर जो कि ऊर्जा मंत्री हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहे पूरे कार्यक्रम में। इस बड़ी और अहम खबर पर हमारे साथ रोहित सिंह राठौड़ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहित, जिस तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया और उसके साथ ही साथ लोगों की समस्याएं सुनी गई और उनके निवारण की कोशिशें की गई, रोहित तो रोहित से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहां पर जिस तरीके से बड़ी अहम खबर हम आपको बता रहे हैं कि ग्वालियर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे और साथ ही साथ प्रद्युम्न सिंह तोमर भी, ऊर्जा मंत्री जो हैं, उन्होंने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो बड़ी खबर ग्वालियर से आपको लगातार हम बता रहे हैं, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साफ तौर पर कहा था कि सभी सांसद जो हैं वो अपने अपने इलाकों में जाएं, लोगों की समस्याओं को सुने और लोगों तक केंद्र की योजनाओं को पहुंचाने के लिए बताने के लिए कि क्या क्या योजनाएं सरकार ने लागू की है और कैसे उनका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी सांसदों को निर्देश जाहिर किए थे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।